बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आपको सादा ट्राउज़र की कटिंग और सिलाई, जिसके लिए मैंने टाइगर्स कपड़ा लिया है। ये जामावर का कपड़ा है, इसका अर्ज़ कम है, तो इस पर मैं सिखाऊंगी आपको किस तरह इसको मीडियम साइज़ का ट्राउज़र टाइगर्स भी आपको बनाना है। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 2.5 इंच 5 की फोल्डिंग के बाद मैंने लिए 37 इंच लंबाई। ये लंबाई ली है मैंने 37 इंच। यहाँ से मैं 13 इंच तक निशान लगाऊंगी ऊपर से, जो कि हमारी वेस्ट साइज़ है। आप ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, ये मीडियम है, तो यहाँ से मैंने 13 इंच लिए हैं। और यहाँ जो लंबाई ली है आसन की, वो 14 इंच ली है। इसी में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आसन की चौड़ाई के लिए। यहाँ से मैं आसन की गोलाई भी करूँगी, तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच लिए हैं। इस तरह मैं खाना बना लूँगी आसन की तरफ से। ऊपर से मैं 6 इंच का दोबारा से निशान लगाऊँगी। इस निशान को लंबा लेकर आना है 5 तक, तो इसके लिए दरमियान में भी मैंने 6 इंच तक का निशान लगाया है। जो ये खाना है उसके दरमियान का जो हिसाब बनता है उसमें 6 इंच का आता है। तो ये निशान है, इस पर 5 पर भी मैंने 3 इंच का निशान लगाया दरमियान में, और घुटने तक की लंबाई ली है मैंने 18 इंच। इस लाइन को मैं लंबा खींचूँगी और 3-3 इंच तक यहाँ से मैंने निशान लगाए हैं 5 की तरफ। मीडियम साइज़ में किस तरह से इसको आप खुला रख सकती हैं, क्योंकि इस कपड़े का आर स्पोर्ट्स कम है, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह इसको खुला रखना है। यहाँ से मैं घुटने की तरफ से लेकर 5 तक निशान लगाऊंगी। एक आसन की गोलाई 1 इंच के फासले से करनी है, तो मैंने यहाँ से भी निशान लगाकर शेप दी है। आप चाहें तो शेप पट्टी होती है, स्केल होता है गोलाई में, उसे भी आप कर सकते हैं, ये निशान लगा सकते हैं। ऊपर से मैंने कपड़े को काट लिया है, और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है ट्राउज़र का। तो इसकी सारी मैं कटिंग करूँगी, इसमें कोई सिलाई के लिए मार्जिन नहीं है, यानी कि सिलाई का कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने नहीं लिया, ये पूरा पूरा कपड़ा है। अब मैं बैक का कपड़ा लूँगी, ये फ्रंट साइज़ है। ये कपड़ा लिया है मैंने बैक का, बैक के ट्राउज़र का है। इस पर मैं ये कपड़ा बिछा कर रखूँगी जो हमने फ्रंट का लिया है। इसको 2-2 इंच के फासले से मैं निशाना लगाती जाऊँगी। यहाँ से भी मैंने 2 इंच का निशान लिया है। यहाँ से भी अब आप देखें कि यहाँ पे कपड़ा कम हो रहा है। अब मैंने जो ट्राउज़र का पहला हिस्सा कटिंग किया था, उसमें जो कपड़ा बचा है उसी को यहाँ पे जॉइंट करूँगी। तो ये देखें, छोटा सा पीस है, सिर्फ 2 इंच तक का मैं लूँगी यहाँ से कपड़ा। और इस कपड़े की आप सिलाई भी देखिएगा कि किस तरह से मैं इसकी सिलाई करती हूँ। इसके धागे ना अगली साइड पे निकलेंगे ना पिछली साइड पे निकलेंगे, गुम सिलाई के साथ मैं इसको सीऊंगी। इस जोड़ को इस तरह से लगाऊंगी कि इसके धागे ना निकले, क्योंकि ये जामावर कपड़ा है तो यहाँ से खिस सकता है आसन की साइड पे। तो इसको मैं मजबूती से लगाऊंगी कि बिल्कुल ऐप भी नहीं लगेगा, और इस पर कपड़े पर लाइने हैं तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर जोड़ लगा है। तो ये 2-2 इंच का सारी जगहों पर मैंने निशान लगा लिए एक्स्ट्रा, और घुटने की साइड पर कोई निशान नहीं लगाऊंगी। यही हमारा मार्जिन है सिलाई का, जो मैंने पिछली साइड पे 2 इंच रखा है, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। इसको मैं इस तरह से कटिंग करूंगी, ये देखें। अब ये बिल्कुल जिस तरह की हमारी लेग होगी,
यानी कि घुटना और टांग जिसकी फिटिंग पांचे की फिटिंग, ये सारी वही फिटिंग आ जाएगी। आगे वाले हिस्से में कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखना और पिछली साइड पर 2 से 2.5 इंच तक मैंने मार्जिन लिया है। अब ये कपड़ा है बेल्ट के लिए, बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसमें 2.5 इंच फोल्ड के लिए लूँगी और 6 से 7 इंच तक मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। बाद में मैं इसको कम कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी मैं 6 से 7 इंच कटिंग कर रही हूँ। अब ये छोटा सा कपड़ा है, ये आप देख लें इसको मैं किस तरह से सिलाई करती हूँ। ये यहाँ से मैंने टक लगा लिए है, जो 6 इंच का कपड़ा मैंने बीच में निशाना लगाए थे 6 इंच के, इसकी दोनों साइड पर मैंने आगे वाली साइड पर प्लीट्स डालूँगी, जिसे टक कहते हैं। ये तो हमने 6 इंच तक का बेल्ट लिया है, इसको मैं फोल्डिंग करते हुए सिलाई करूँगी। अब मैं फ्रंट और बैक के जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको फोल्ड कर रही हूँ। मैं सिलाई करती जा रही हूँ, आप चाहें तो गुम सिलाई के साथ सिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं जोड़ लगा रही हूँ और उल्टी सीधी साइड पर लगा रही हूँ, ये जोड़ उल्टी तरफ नहीं सीधी साइड पर लगा रही हूँ। अब ये धागे वाले कपड़ा आ रहा है, धागे वाला, तो मैं इसको अंदर की तरफ दबा कर एक और सिलाई लगा रही हूँ। पक्का करके मैं इसको सिलाई लगा लूँगी ताकि इसके धागे बाहर ना आए। ये एक जोड़ लगाने मैंने सिखाया है, मेरे चैनल पर एक और वीडियो है ट्राउज़र की, उस पर जामा वर का ट्राउज़र मैंने पूरा गुम सिलाई के साथ सिया है, आप वो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ आप ज़रूर इसको देखिएगा। ये मैं पांचा फोल्ड कर रही हूँ जो कि एक एक बूट के फासले पर है, क्योंकि मैं इसकी तुरपाई करूँगी तो मैंने ये फासला रखा है। ये देख सकते हैं आप कपड़ा, यहाँ तुरपाई करूँगी और ये जो सिलाई है इसको बाद में मैं उधेड़ लूँगी। ये जो भी सिलाइयाँ हैं, ये जोड़ की सिलाइयाँ, इसको सारी दबा दबा कर मैं इस्त्री करूँगी। जमा के इस्त्री करने से इसकी सिलाई बैठ जाएगी और इसकी लाइनें हैं कपड़े पर, तो इस जोड़ का पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर जोड़ है, क्योंकि ये आसन की तरफ है, तो ये जोड़ सिर्फ पिछली साइड पर ही आएगा, आगे वाली साइड पर मैंने जोड़ नहीं लगाए, ये सिर्फ पिछली साइड पर है। और जो फ्रंट और बैक के ट्राउज़र के जो सिलाई की है मैंने, उसको भी इस्त्री करूँगी ताकि इसकी सिलाई गुम हो जाए। अब मैं आसन को मिलाने से पहले मैं पांचा फोल्ड करूँगी जो कि 5.5 इंच रखा है मैंने, पांचे की तरफ 5.5 रखा है और आसन की तरफ 1/2 इंच रखूँगी। मैं 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए रखूँगी। दोनों निशानों को मिलाएं, यहाँ पर भी अगर आपके पास स्केल है गोलाई वाला जिसमें कर्व होता है वो आप ले सकते हैं, अगर आप वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके ज़रिए भी निशान लगाएं, जैसे कि मैंने ये निशान लगाया है। अब दोनों जो लेग्स का कपड़ा है वो मैं इसी तरह सिलाई कर लूँगी। मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ, यहाँ से मैं पक्का कर लूँगी। अब यहाँ से अभी मैं दोनों किनारों के कपड़ों को अंदर करके सिलाई लगाऊँगी।
सिलाई लगाने के बाद अब मैं आसन को जोड़ूंगी। दोनों आसन के कपड़ों को पहले मैंने उल्टा रखा है और उल्टा ही सिलाई करूंगी। दोनों की सिलाई यहाँ से मिलाई है मैंने। आसन को मिला लिया है मैंने। अब इसकी बेल्ट लगाऊंगी। ये देखिए कितनी सफाई के साथ, आप चाहे तो इसको भी इस्त्री कर ले। ये जोड़ है जो पिछली साइड लगा है, सारे को आप इस्त्री कर ले। तो ये ट्राउज़र बहुत फिनिशिंग के साथ बने गए हैं। अब मैं जोड़ लगाऊंगी। जोड़ के लिए मैंने कपड़ा लिया है, पहले 6 इंच लिया था, बाद में इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, इसको कम कर लिया था, 4.5 इंच 5 इंच तक रखा था मैंने। जोड़ को मैं इस तरह से सीऊँगी कि ये उल्टी साइड पे हो, इसके धागे बाहर ना आए। सिलाई लगाती जाऊँगी मैं यहाँ से। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस तरह की वीडियोस। अब ये सिल लिया है मैंने और एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लूँगी। इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊँगी। इसके बाद मैंने ये इलास्टिक लिया है जो कि हमारी कमर जो होती है उसका 10वां हिस्सा होता है। 10 इंच निकाल कर इसके बाद जो इंचेस बनते हैं उनके इलास्टिक बनानी होती है। तो इस तरह इलास्टिक को अंदर रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। इसकी अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस कमर पे कितना इलास्टिक रखना होता है, तो उसका भी मैं बताऊंगी।